हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनिका सुंदरियाली में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत कुशल मंगल होंगे। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ कि आज हम डिनर पे क्या बना रहे हैं। जिसके लिए कढ़ाई गर्म होती है, मैंने डाल दिया है उसमें क्रश जीरा और धनिया, उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक से दो आप बढ़ा सकते हैं। और चॉप यहाँ पर मैंने डाला है धनिया। बस इसको अब हल्का फ्राई करने पे हम, और ये सीजन की इस विंटर में मैं ये पहली बार बना रही हूँ बंद गोभी। आपके साथ बंद गोभी मैं शेयर कर रही हूँ कि आज मैं रात को बंद गोभी की सब्जी बनाई है। और देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है, ये देखिए। बस ये प्याज भूनते ही मैंने यहाँ पे दो आलू थे उसको चॉप कर लिया था इस तरीके से और यहाँ पे डाल दिया। इन सबको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से आलू को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मैं फुल फ्लेम में कर रही हूँ इस स्टेज पे कि हमारे जो आलू हैं वो थोड़े जल्दी क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। और बंद गोभी की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत, ना तो इसमें ज़्यादा मसाले चाहिए होते हैं ना ज़्यादा आप इस पर कुछ कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी बनती है। इसलिए मैंने इसमें आलू पहले डाले कि आलू हमारे थोड़े अच्छे पक जाएँ, उसके बाद हम इसमें अपनी बंद गोभी को ऐड कर लेंगे। और आप लोग बंद गोभी को किस तरीके से बनाते हैं या उसकी क्या क्या रेसिपी आपको अच्छी लगती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अपने बेसिक मसाले जो हम खाते हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया। अब आलू के साथ हम इन सब मसालों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। पर आपको ना ये करछी चलाते रहना है, ज़्यादा फुल फ्लेम में है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मसाला और ये आलू आपका जल जाएगा। तो आपको ये बार बार आपको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। बस हमारे आलू यहाँ पे हो चुके थे अच्छे से, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया था अपना जो बंद गोभी धुल के अच्छे से काट के रखी थी उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर लिया है। अब इन सबको एक साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आज संडे था, पूरा दिन काम में थकावट लगी थी इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा बनाया नहीं। सिंपल फ्रिज में देखा तो बंद गोभी रखी थी, मैंने कहा यही बची है लास्ट बनी था, इसी को ही हम आज बना लेते हैं। ला के रखी थी, अभी तक बनाई नहीं थी ये, इसलिए मैंने कहा एक छोटी बंद गोभी है, मैंने कहा आज इसी को हम बना लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हम बंद गोभी डालने के बाद इन सबको अच्छे से एक साथ हमने चला लिया है। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के अभी पका लेंगे। और हमारी तैयार है स्वादिष्ट बंद गोभी दोस्तों। और ये मैंने कर दिया है फ्लेम को मीडियम। यहाँ पे डाल दिए चॉप टमाटर, एक टमाटर छोटा पूरा था और एक आधा उसको काट के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, बंद गोभी में एक चीज़ ये ध्यान देने वाले कि आप इसमें चाहे प्याज डालें ना डालें, बट अगर आप टमाटर बहुत सारा डालेंगे तो आप देखें कितना अच्छा टेस्ट आता है बंद गोभी में। बस अब ढक के 10 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारी सब्जी बनी है कि नहीं बनी है। और ये देखिए हमारी टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बहुत सिंपल बेसिक मसालों के साथ बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों, बस इसको अब हरे धनिए के साथ हम गार्निश कर लेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे रागी की रोटी, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कोदे की रोटी या मंडवे की रोटी। बस और दाल सब्जी रोटी हमारी आज की थाली थी डिनर की। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रही है हमारी सब्ज़ी, बनके भी बहुत अच्छी टेस्टी तैयार हुई थी। यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए इतनी टेस्टी स्वादिष्ट हमारी सब्जी तैयार है। और यहाँ पे मैंने बेल ली थी अपनी कोदे की रोटी और तवा गर्म होते ही मैंने उसमें डाल दिया था। बस एक करके हम रोटी बना लेंगे और अपने सबको सर्व कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को देख रहे हैं और आपको रेसिपी अच्छी लग रही है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए हमारे पौधे की रोटी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत हेल्दी होती है, आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, खाना चाहिए। सर्दियों में तो आप बेशक खाइए क्योंकि गर्म होता है ना, और ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रोटी है। बस उसको सिकने के बाद दूसरी रोटी डाल दी, ऐसे ही करके सारी रोटी बना ली। और गर्मा गर्म रोटी के ऊपर हमने रखा है घी, और घी के साथ इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाता है, रोटी इन्हेंस करती है घी का डालने से टेस्ट, जो कि हमारी रोटी का टेस्ट और इन्हेंस कर देती है। ये रोटी भी हमारी बन चुकी है, इसमें भी थोड़ा सा घी हम डाल देंगे, और ये हमारी तैयार है थाली। थोड़े से गाजर का सलाद और आंवले का अचार, मसूर की दाल, और ये है हमारी पत्ता गोभी, और कोदे या रागी की रोटी, उसमें घी, और गर्मा गर्म आप लोग खाइए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो रेसिपी या वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी।